रामानंद राय जी बड़े चतुर विद्वान थे, तो उन्होंने प्रारंभ में बताया गीता के अनुसार, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नरः। गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक, अपने अपने धर्म का पालन ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। वेदों में शास्त्रों में भरा पड़ा है कि धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आप किस वर्ण के हैं, किस आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसके अनुसार धर्म का पालन करना ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने इतना खराब मुंह बनाया कि जैसे किसी बच्चे के मुंह में रसगुल्ले की जगह कड़वी नीम डाल दी जाए, और बड़ा गंदा सा मुंह बनाकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि महाराज, ये आपने क्या लक्ष्य बताया, धर्म? धर्म से तो स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग तो नश्वर है, हमें कुछ और बताइए। तो रामानंद राय जी ने गीता के ही अनुसार उत्तर दिया, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, देखो अगर हम कोई भी कामना रख कर कर्म धर्म करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, अगर हम निष्काम कर्म करें, कोई इच्छा ना रखें, फल की आसक्ति ना रखें और धर्म करें ईश्वर को अर्पित करके, तो फिर स्वर्ग नहीं मिलता। जैसे कि योगी लोग करते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, योगी लोग कर्म में आसक्ति नहीं रखते, आत्मशुद्धि के लिए कर्म धर्म का पालन करते हैं। ऐसे ही निष्काम भाव से कर्म धर्म करना चाहिए तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा फिर? सिद्धिम विन्दति मानवः, सिद्धि मिलेगी। सिद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि होगी। सकाम कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी, लेकिन पूरी पूरी नहीं होगी। मन के कुछ धब्बे, गंदगी मिटती है निष्काम से, पूर्ण शुद्धि नहीं होती, फिर भी काफी मात्रा में शुद्धि होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि महाराज, ऐसा है कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, मुझे तो अंतःकरण की शुद्धि करनी नहीं है, तो फिर क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो बड़ा जोर देकर रामानंद राय जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सब धर्मों को छोड़कर और भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये उपदेश तो अज्ञानियों के लिए है, अर्जुन धर्म भीरू था, धर्म से डरता था, छोटी सी बात पर उसने धनुष बाण छोड़ दिए, अज्ञानी था और वो पापी था। है पापी? हाँ, था कि नहीं था, लेकिन एक्टिंग में तो उसने यही दिखाया कि मैं पाप से डरता हूं, इसीलिए तो भगवान ने इसी श्लोक की नीचे वाली लाइन में कहा ना, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू मेरी ही शरण में आ जा तो मैं तेरे सब पापों से छुट्टी दिलवा दूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते कि जिसको पाप पुण्य छूता ही ना हो,
जो अज्ञानी ना हो उसको क्या करना चाहिए। तो रामानंद राय जी ने फिर कहा गीता के ही अनुसार कि ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। गीता के 18वें अध्याय का 54वां एवं 55वां श्लोक। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान के साथ भक्ति प्लस करके ज्ञान मिश्रा भक्ति करनी चाहिए। यानी इस श्लोक का अर्थ ये है कि भगवान गीता में कहते हैं कि ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जब कोई भी ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करके ब्रह्मभूत अवस्था पर पहुंच जाता है, यानी बहुत ऊंची स्थिति उसकी हो गई लेकिन अभी पूर्णता उसने प्राप्त नहीं की ज्ञानी ने, तो वह सदा प्रसन्न रहता है, वो किसी बात का शोक नहीं करता, उसकी कोई इच्छा भी नहीं रह जाती और वो एक प्रकार से समदर्शी हो जाता है। हर जगह वो केवल मैं हूँ यानी आत्मा का ही दर्शन करता है। ऐसे ज्ञानी को जब पराभक्ति मिल जाती है तो भक्त्या माम अभिजानाति, अभी तक तो उसे केवल अंश का ज्ञान था ज्ञानी को अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करने से, लेकिन जब वो ज्ञानी मेरी पराभक्ति करता है तो अभिजानाति, भगवान कहते वो मुझे ठीक से पूरा पूरा जान लेता है। अब आंशिक ज्ञान उसको नहीं रहता, पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तब मुझे पूर्ण रूप से जानकर वो मुझ में लीन हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये उपदेश तो अद्वैत ज्ञानियों के लिए है, जिनको अद्वैत भक्ति करनी है, जिनको भगवान में ब्रह्म में लीन होना है। मुझे तो ब्रह्म में लीन होना नहीं है, मैं लीन नहीं होना चाहता, मैं तो अलग रहकर उनका रस प्राप्त करना चाहता हूं। तो फिर क्या करना चाहिए?